स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 यूनिट 8 एक्सरसाइज 8.2। तो 8.2 में हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट जो है वो लिखा है मैंने साइन 30 टेन 45 माइनस कोसेकेंट 60 डिग्री सेकेंट 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री कॉट 45। तो मैंने इसके जो वैल्यूज है वो भी लिखी। साइन 30 होता है 1/2, टेन 45 1, कॉस 60 डिग्री 2/√3, सेकेंट 30 2/√3, cos 60 1/2, cot 45 1 होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एलसीएम लेंगे। तो जब मैं एलसीएम लूंगा इसका तो 1/2 और प्लस 1 करूंगा तो आएगा 3/2। क्या आएगा? 3 अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन √3 अपॉन में 2/3 जैसे था वैसे ही आएगा और प्लस 3/2 आ गया। तो इसके बाद जब हम दोबारा क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम किसका लेंगे 3/2 एंड 2/√3 का लेंगे। तो 2/√3 आया। जब इसके एलसीएम लिया तो 2 कट होके क्या बचा होगा 3/√3 माइनस जब हम √3 का आएगा तो 2 2 4 इसके नीचे अब इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 2/√3 अगेन रिपीट वही 3 से 3 चला गया 4 बचा प्लस अब 3 तो 2 कटा तो 3/√3 आ गया। तो लास्ट टाइम भी मैंने ये बताया कि जब भी कोई भी टर्म ऐसे नहीं हो तो ये कट जाती है या इसका रेसिप्रोकल करो तब भी वही आएगा। तो आ गया 3/√3 माइनस 4 प्लस 3/√3। तो मैंने थोड़ा सा रीअरेंज किया। रीअरेंज में मैंने इसको पहले लिखा बाद में फिर हम इसका रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करते टाइम हम जो नीचे वाले डिनोमिनेटर पोजीशन पे जो टर्म्स होते हैं उन्हीं से ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे में तो 3 माइनस में और इधर भी माइनस में। हमने रैशनलाइज के लिए ये कर दिया तो रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर वाले टर्म का क्या आ गया होल स्क्वायर। क्या आया? होल स्क्वायर। और नीचे वाले का आ गया 3/√3। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में a प्लस b a माइनस b तो वो बनता है स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो हमने बना दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद आ गया इस पूरे के पूरे टर्म का सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा इसका ए स्क्वायर माइनस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का तो आएगा ए स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 ए बी। तो a मेरे पास ये है और b 4 है। नीचे सिंपली आएगा क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो 3 से √ कट गया 3 × 3 × 3 आया 4 × 4 = 16 होता है। यहां पे क्या आएगा 9 × 3 9 × 3 16 3 × 4 = 12 12 × 2 = 24 और इधर 27 × 16 तो ये आ गया 27 + 16 − 24 √3। 27 से हम 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11। क्या आएगा? 11। तो 27 में प्लस 16 करेंगे तो 27 में 16 को ऐड किया तो आ गया हमारे पास 43 − 24 √3 / 11। तो हमारा आंसर आ गया 43 − 24 √3 / 11। तो जो नेक्स्ट जो लास्ट इसका पार्ट रहता है वो हम कर रहे हैं। तो
इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फिफ्थ वो राइट कर रहा हूं मैं, वो है 5 cos² 60° प्लस 4 secant² 30° माइनस tangent square 45 अपॉन में साइन स्क्वायर 30° और प्लस कॉस स्क्वायर 30° हमने क्वेश्चन सारा के सारा राइट कर लिया है। मैं इसके जो वैल्यूज है वो राइट कर रहा हूं, तो हमारे पास कॉस 60 की जो वैल्यू होती है वो आएगी, जरा रिमाइंड कर लेते हैं एक बार टेबल, तो टेबल देखेंगे तो टेबल में जो कॉस 60 है वो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2 cos² 4 और सेकेंड, और पहले तो कॉस 30 की वैल्यू पता होना चाहिए, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 और कॉस का उल्टा होता है तो हमने इसका उल्टा कर लिया, और टेंजेंट 45 तो सबको पता है 1 है। अब साइन 30° तो साइन 30° होता है हमारे पास 1/2 का स्क्वायर प्लस और कॉस 30 तो कॉस 30 होगा √3/2 का स्क्वायर। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, यहां सॉल्व कर लेते हैं, तो 5 × तो आ गया 5/4 प्लस का साइन है तो प्लस, और 4 × 2 हो गया 4, 3 का रूट कट गया और माइनस 1 नीचे आ गया 1/4 प्लस √3 था 3 ही बचा नीचे आ गया 4, तो अब ये 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 इसका एलसीएम लिया 3 + 1/4 यही सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इसको सॉल्व किया तो 5/4 प्लस 16 − 3/3 ये 4/4 4 से 4 कट गया 1 ही बचा। उसके बाद लास्ट जो स्टेप रहेगा इस वाले के बाद ये वाला बचा, तो हमने आया 5/4 प्लस 13/3 तो आ गया 12 बचा क्या 5/4 ये 16 से 3 माइनस 13/3 यहां 1 था तो 4 × 3 = 12 कितना बचा 3 + 3 = 13 आया 4 तो 15 + 54/12 आ गया 67/12 तो हमारा क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया इसी के साथ। थैंक यू।